वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सर अगर आपके पास आईटीआई हरियाणा एडमिशन सेशन 2018-19 की जानकारी है कि आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है और कैसे होगा, किन डेट्स को होगा, तो प्लीज़ हमें अपडेट कर दीजिए। तो भाई, मैंने सोचा कि किसी बच्चे का एडमिशन छूटना नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ और आगे का प्रोसीजर कैसे होगा वो आपको बता देता हूँ। आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिल पा रहे, वो बच्चे परेशान हो रहे हैं। भाई, 2 से 2500 के बीच में एक दिन में कमेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि 1000 को कवर कर सकूँ, सबको करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे रखे हैं, एक तो फेसबुक पेज का और एक अपने दूसरे चैनल का, आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अभी कम लोग एडेड हैं, वहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द आपको मिल सके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो कमेंट आएगा मुझे जल्द से जल्द दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और प्रोसीजर की बात करें, तो भाई इसका जो है, यहाँ पर 3 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 18 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल की रिक्वेस्ट नहीं आई थी, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं जो है ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। भाई, इसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और अलॉटमेंट होगी आपको सीट, वो आएगी 23 जुलाई को। तो डेट का याद रखना यार, जो मैं डेट्स आपको बता रहा हूँ। फिर आपको आईटीआई जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए और एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 24 से 27 तक। भाई, आईटीआई में वही बच्चा जाएगा जिसका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आता है, फर्स्ट राउंड में नंबर आता है, और बच्चा वो जा सकता है जिसको लगता है कि उसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए था लेकिन उसे मिल गया कोपा। अगर किसी बच्चे को फिटर चाहिए था लेकिन उसे मिल गया इलेक्ट्रिशियन, तो वो बच्चा अपनी अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है। और वो बच्चा जिसको उसी सीट में एडमिशन चाहिए था, वो इन डेट्स को आईटीआई जा सकता है। तो आई होप कि ये फर्स्ट राउंड की डेट्स आपको जो है समझ आ गई होगी। उसके बाद जिनका फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं आ पाता और जिनको डिफरेंट ट्रेड मिलती है, उनको जो है दोबारा यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आपकी सेकेंड राउंड की 28 तारीख को बताई जाएगी, जिसमें जो है आपका पोर्टल ओपन होगा रिवीजन के लिए, आपकी जो चॉइसेस होगी उनके रिवीजन के लिए। तो 28 से 29 तक होगा, जिसमें सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 30 तारीख को, और सेम जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था वैसे ही आपका सेकंड काउंसलिंग में होगा। 1 से 3 तारीख तक आपको जो है आईटीआई जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर हम बात करें थर्ड की, जिनका फर्स्ट और सेकंड में नंबर नहीं आ पाता, उनको वेट करना पड़ेगा थर्ड का। तो थर्ड की जो वैकेंट सीट होगी वो 4 अगस्त को पता चलेगी कि किस किस कॉलेज में कितनी सीटें बची है। उसका जो पोर्टल स्टार्ट होगा रिवीजन का, या फिर आप बोल सकते हैं चॉइस फिलिंग का, 4 से 5 अगस्त के बीच में होगा। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी आपकी 6 तारीख को। अगर हम बात करें आपको कब जाना पड़ेगा आईटीआई थर्ड मेरिट लिस्ट के बेस पर एडमिशन के लिए, तो 6 से 9 तक आपको जाना पड़ेगा अगस्त में। तो भाई, ये तो थर्ड राउंड खत्म हो गया है। अब हम आगे की बात करें आफ्टर थर्ड काउंसलिंग की, तो यहाँ पर दी इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी विल बी डिस्प्लेड, सारी की सारी जितनी भी वैकेंसी सीट होगी वो 10 तारीख को फिर पता चलेगी थर्ड काउंसलिंग के बाद। फिर आपका उसके बेस पे जो है एडमिशन होगा, उसके बेस पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। फोर्थ की बात करें तो एडमिशन टू कैंडिडेट्स विद 70% एंड अब मार्क्स ऑन मेरिट बेसिस आपका 11 से 14 के बीच में एडमिशन होगा, और जिन बच्चों के 70% से कम मार्क्स है उनका 16 से 18 के बीच में होगा। और अपलोडिंग ऑफ ट्रेनी डेटा ऑन NCVT MIS पोर्टल बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITIs, ये एज पर टाइमलाइन इशूड बाय DGT होगा। और बाकी आप चिंता मत कीजिए, ये जितनी भी चाहे काउंसलिंग हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे कोई सी भी मेरिट लिस्ट हो, उनकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको जो है एडमिशन लेने में आसानी हो जाए और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई फ्रेंड हरियाणा में ITI एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको अपडेट मिलती रहे।